हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिट नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेक्युलर स्ट्रक्चर. नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ आवर टेक्सचुअल पोर्शंस, नाउ वी स्विच ओवर टू द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट एंड वी एनालाइज ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन अ वेरी डीप मैनर, राइट. So, question number 4.1, which is given, is like that. So, explain the formation of chemical bond. So, what is the meaning of chemical bond? So, the answer is like that. A chemical bond is defined as an attractive force that holds the constituents, means either atoms or ions, together in a chemical species. Or sometimes, various theory have been suggested for the formation of chemical bond, such as electronic theory, valence shell electron pair repulsion theory, or sometimes is called as VSEPR, valence bond theory, means VB theory, and molecular orbital theory. A chemical bond formation is attributed to the tendency of a system to attain stability. अभी क्या होता है कि जो भी प्रोसेस है वो स्टेबिलिटी की साथ ही हमारे साथ चल रही है. सो इट वॉज ऑब्जर्व दैट द इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस वॉज बिकॉज ऑफ देयर फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स. सो एंड इट वॉज पॉस्टुलेटेड दैट द एलिमेंट्स हैविंग इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट सेल्स आर अनस्टेबल और दे आर रिएक्टिव इन नेचर. सो एटम्स देयरफॉर कंबाइंड विद ईच अदर एंड कंप्लीट देयर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स इन द केस ऑफ हीलियम सो अटेन द स्टेबल कॉन्फिगरेशंस ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस. सो दिस कॉम्बिनेशंस कैन अकर आइदर बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय ट्रांसफरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वन एटम टू द अनदर. सो द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between atoms is called as a covalent bond. An ionic bond is formed as a result of the transference of electron from one atom to the another. So this is all about the explain the formation of a chemical bond. मैं आपको इसकी जो PDF copy है वो भी मैं आपके साथ share करूंगा, लेकिन मैं अभी each और every questions का हम discussions with answers यहाँ पे हम करेंगे, ताकि कोई बार ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम एक महीने बाद या दो महीने बाद हम कुछ स्टडी करें, तो अगर हमें कोई दिस में दिक्कत हो तो फिर से आप वीडियो या कुछ ऐसा है तो आप देख सके और अपना जो प्रॉब्लम है वो आप सोल्व कर सकते हैं. समझ में आ गए? फाइन. अभी नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4.2 हमें यहाँ पे दिया गया है कि राइट द लुईस डॉट सिंबल फॉर द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी मैग्नीशियम है, सोडियम है, बोरोन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और ब्रोमीन है. हमें मालूम है कि मैग्नीशियम की जो आउटर ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इस तरह से लग सकते हैं मैग्नीशियम और 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था इससे बढ़िया इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि मैग्नीशियम 1 एंड 1, राइट. कहीं बार लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा रेफरेंस बुक में यही देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी जो आइडियल प्रोसेस है ये है. क्यों? क्योंकि इसमें समझ, कई बच्चे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मैग्नीशियम हैविंग अ लॉन पेयर. नो, मैग्नीशियम डज नॉट हैविंग लॉन पेयर. उसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उसको जो रिप्रेजेंटेशन हमें देखना पड़ता है, तो वो क्लॉकवाइज लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी हम दे सकते हैं. सेम वे सोडियम का नंबर 11 है, तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एन ए डॉट या कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. यहाँ पे भी कई बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं, सर जी हमें डॉट कहाँ पे करना पड़ेगा, यहाँ पे, यहाँ पे. अच्छा तो है कि 12 o'clock से आप शुरू करें और फिर से 12 o'clock की तरफ चले जाए, तो ये बेस्ट मेथड होती है. फिर भी आप यहाँ पे कुछ कर सकते हैं. फाइन. नेक्स्ट है बोरोन. सो बोरोन हैविंग 3 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स, सो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वी हैव टू पुट 1, 2 एंड 3, राइट. We know that in the oxygen, the outermost orbit having a 6 different electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 lone pair electrons यहाँ पे मुझे दिखाई दे. तो oxygen का है ना, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं. यानी हमें मालूम हो सके, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि भाई ऑक्सीजन अभी जुड़ने के लिए अभी राजी नहीं है, इस तरह से भी समझ में आ सकता है. फिर देर आर 5 नाइट्रोजन है, तो उसमें मुझे मालूम है कि 5 है, लेकिन इसकी स्टाइल ये होनी चाहिए 1, 2, 3, 4 और 5. समझ में आ गए?
सो हाउ मेनी ब्रोमीन में कितने होते हैं, 7, तो उसमें तो 7 का तो यही प्रोसेस आ जाएगा, तो 7 के लिए हम इस तरह से कुछ इसका जो डॉट स्ट्रक्चर है वो कुछ हम इस तरह से दिखा सकते हैं। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4.3 में हमें पूछा गया है, देखिए कि राइट द लुईस सिंबल फॉर द फॉलोइंग एटम्स एंड आयंस, यानी हमें जैसे एस है और एस माइनस टू, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम प्लस थ्री, एच एंड एच माइनस के लिए मुझे उसका लुईस सिंबल है वो मुझे दिखाना पड़ेगा। तो मैं किस तरह से उसका जो है वो सिंबल से मैं दिखा सकता हूं, देखिए आप। सो द लुईस डॉट सिंबल ऑफ सल्फर, यानी जो सल्फर का जो लुईस डॉट सिंबल है वो हम किस तरह से लिख सकेंगे, तो हमें मालूम है कि सल्फर का नंबर कितना है, 16, उसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 6, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अभी क्या होगा कि उसका एस माइनस टू का डाई नेगेटिव चार्ज है, तो डाई नेगेटिव चार्ज का मतलब ये हो गया ना कि द डाई नेगेटिव चार्ज इन्फर्स दैट देर विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स मोर इन एडिशन टू द 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी हम कई बार कई बुक्स में ऐसा भी लिख सकते हैं कि भाई देखिए ये जो है अभी मैंने फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, तो कि वो माइनस टू का सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। हम इस तरह से भी लिख सकते हो, या जो इसका रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। सेम वे आप देखिए एल्यूमिनियम का है, तो मुझे मालूम है कि एल्यूमिनियम में बाहर 3 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर ऑर्बिट में होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस तरह से हो गया। अभी एल्यूमिनियम 3+ में मुझे जाना है, तो एल्यूमिनियम 3 का मतलब यह हुआ कि उसके उसके बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, समझ में आ गया। तो कहीं बार इसको एल्यूमिनियम प्लस 3 इस तरह से भी दिखा सकते हैं, और कई बार मैंने देखा है कि भाई जैसे उसकी नियोन इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अभी 10 ही इलेक्ट्रॉन है, तो विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ नियोन 2। नेक्स्ट है मुझे एच एंड एच माइनस, तो एच में तो हमें मालूम ही है कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, और एच माइनस में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे, तो 2 कुछ मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। एच माइनस की बात यहां पे दिखाई गई है, एच प्लस की बात नहीं है, तो ये हाइड्राइड आयन का ये जो मेरा जो प्रोसेस है, तो मुझे मालूम है कि एक नया इलेक्ट्रॉन यहां पे आ रहा है, तो -1 कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद मुझे 4.4 में दिया गया है कि ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। जैसे मेरे पास H2S है, तो मुझे H2S का लुईस स्ट्रक्चर है वो मुझे दिखाना है, तो मैं किस तरह से H2S का लुईस स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा सकता हूं। आपको समझ में आ गया, 4.4 की बात यहां पे हम समझाना चाहते हैं। तो मुझे मालूम है कि H2S का जो सिंपल स्ट्रक्चर है ना वो HSH होता है, क्लियर, लेकिन उसका जो लुईस स्ट्रक्चर होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे देखिए हमें मालूम है 1, 2, 3, 4, 5 और 6 राइट, और यहां पे हाइड्रोजन का और यहां पे फिर से हाइड्रोजन का जो आ जाएगा, तो उसका जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फिर यहां पे जो यहां पे दिया गया है ये उसने क्या हुआ है कि उसके शेप की वजह से आप ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन बाद में ये आ जाता है, लेकिन उसका जो बेस्ट लुईस स्ट्रक्चर है वो तो हम इसको इस तरह से ही दिखा सकते हैं। ये तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसा हुआ कि ड्यू टू दिस VSEPR प्रिंसिपल द शेप इज बेंट इन नेचर हो गया है, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की बात यहाँ पे समझाई, तो मुझे मालूम है कि सिलिकॉन के बिल्कुल बाहरी भाग में 1, 2, 3 और 4 होते हैं, और क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेके आता है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ क्लोरीन, तो हम कुछ इस तरह से क्लोरीन का यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे भी हम क्लोरीन का कुछ इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, और यहाँ पे भी हम क्लोरीन का इस तरह से लगा सकते हैं, समझ में आ गए। SiCl4 की बात इस तरह से दिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे को कुछ प्रश्न भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं कि सर जी ये क्रॉस की वजह हम सभी डॉट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसा दिखाना चाहता हूं कि भाई दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सिलिकॉन एंड दिस क्रॉस फ्रॉम क्लोरीन बिकॉज इट्स अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आप जो आपका जो क्वेश्चन था उसके साथ भी आप उसका परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो दिखाया गया है ना, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी उसने शेप परफेक्ट यहाँ पे दिखाया है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे में कहा जाता है कि सवाल जिस भाषा में किए जवाब उसी भाषा में हमें देना चाहिए, तो इस तरह से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। बेरियम फ्लोराइड है, तो मुझे मालूम है कि बेरियम के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं,
और उसके साथ फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फ्लोरीन है तो वो मुझे मालूम है उसके पास सात हो गए। इस तरह से इस फ्लोरीन के पास भी जो सात इलेक्ट्रॉन है तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। सेम वे मेरे पास CO3-2 की बात यहां पे दिखाई गई है, CO3-2 की बात यहां पे दिखाई गई है, तो CO3-2 को मुझे किस तरह से दिखाना पड़ेगा, तो क्या आप देखिए मुझे मालूम है कि C है, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे देखिए मैं क्या बता रहा हूं कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे दो इलेक्ट्रॉन है, राइट। अभी ऑक्सीजन के जो दो आएंगे तो वो यहां पे आएंगे उसके दो और दो चार और दो छह, यहां पे भी ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है दो और दो चार एक पांच और एक छह, यहां पे भी ऑक्सीजन के है दो और दो चार और पांच और एक छह, तो इस तरह से हम दिखा के बाद में बाहर -2 इस तरह से दिखा सकते हैं। इस तरह से मुझे फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर यहां पे दिखाया गया है, तो मैं फॉर्मिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है तो मैं कुछ इस तरह से दिखा सकता हूं। यहां पे सी है, सी के जैसे मैंने यहां पे क्रॉस किया हुआ है, तो जैसे मेरे पास डॉट है और यानी एक दो तीन चार हो गए ना, फिर यहां पे ऑक्सीजन का मुझे दिखाना पड़ेगा तो मैं इस तरह से ऑक्सीजन का भी दिखा सकता हूं, हाइड्रोजन का हो गया और यहां पे एक और ऑक्सीजन आएगा ना, तो ऑक्सीजन का दो और दो चार और दो छह और दो आठ हो गए, तो यहां पे डॉट है ना, तो इसका HCOOH का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन 4.5 की बात हम कर रहे हैं, तो 4.5 में हमें यहां पे दिखाया गया है कि डिफाइन द ऑक्टेट रूल एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस, तो उसकी जो उपयोगिता क्या है, उसका जो यूजेज हम क्या कर सकते हैं और उसका जो लिमिटेशंस होता है वो क्या होता है वो हमें यहां पे देखना है। सो द ऑक्टेट रूल, या हम इसको बोल सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वॉज फर्स्टली डेवलप बाय कॉसल एंड लुईस, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एटम कैन कंबाइंस आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर और बाय शेयरिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बाय हैविंग एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। तो ऑक्टेट का इसका जो वैलेंस शेल है, तो सो द ऑक्टेट रूल सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये थोड़ा उसने हमने फिर से मैं यहां पे बता रहा हूं कि एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर मींस गेनिंग और लूजिंग और बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव एन ऑक्टेट इन देयर वैलेंस शेल। सो दिस इज नोन एज अ ऑक्टेट रूल, फाइन। तो दिस ऑक्टेट रूल वॉज सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। उसका लिमिटेशन अभी हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि उसका लिमिटेशन क्या है। सो द लिमिटेशन हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि द फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल। द रूल फेल टू प्रिडिक्ट द शेप, यहां पर शेप अब हमें पता नहीं चलता है और स्टेबिलिटी का भी पता हमें यहां पर नहीं चल सकता है। इट इज बेस्ड अपॉन द इनर्ट नेचर ऑफ नोबेल गैस, हाउ एवर सम नोबेल गैस लाइक जेनॉन एंड क्रिप्टॉन दे ऑल्सो फॉर्म्ड अ कंपाउंड टू। यहां पर क्या होता है कि भाई नोबेल गैस कोई किसी के साथ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, फिर भी जेनॉन, अब हमें मालूम है जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड है, क्रिप्टॉन भी थोड़ी अपनी तरह से भी कंपाउंड बना सकता है, तो इसका ड्रॉबैक है। The octet rule cannot be applied to the elements in the beyond of the third period of the periodic table. यानी third period में क्या होता है, वो d orbitals available हो जाती है, यानी उसके पास vacant orbitals की वजह से उसको हम यहाँ पे apply नहीं कर पा रहे हैं। So the elements present in this period have more than 8 valence electron around the central atom. For example, PF5, SF6 का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो PF5 का जो फॉस्फरस है तो उसका जो हमें हमारा TBP उसका शेप होता है जिसके, लेकिन आप देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट की से ज्यादा है, SF6 में 12 इलेक्ट्रॉन है। तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि फॉस्फरस में पास में 3D और सल्फर में भी पास में 3D वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इसका sp3d और इसका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो पा रहा है, यानी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, फिर भी स्टेबल है। The octet rule is not satisfied for all atoms in a molecule having an odd number of electrons. समझ में आ रहा है? Odd number of electrons का जो process है, तो वो कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे NO की बात की है, तो यहाँ पे odd number है, यहाँ पे भी NO2 है, तो वो जो NO2, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, चार यहाँ पे, चार और दो और छह एक साथ, यानी यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने हैं, चार चार तो है,
चार और दो छह है और दो आठ नहीं है लेकिन सात ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है ऑक्टेट रूल को. दिस रूल कैन नॉट बी अप्लाइड टू दोस कंपाउंड्स इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज लेस देन एट. लेकिन ये ऑक्टेट की ऑक्टेट का लिमिटेशन नहीं है, ये हीलियम का लिमिटेशन से यानी डुप्लेट का लिथियम क्लोराइड है. जैसे जहां पे भी जैसे लिथियम का जो ऑक्टेट नहीं हो पा रहा है, क्लोरीन का ऑक्टेट हो जाएगा लेकिन लिथियम का नहीं हो पा रहा है. सेम वे यहाँ पे एल्यूमिनियम का नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे बेरिलियम का नहीं हो पा रहा है. राइट, दे डू नॉट ऑबे द ऑक्टेट रूल. तो बहुत बढ़िया तरीके से जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं तो हम उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सके इसके लिए मैं आपके साथ यहाँ पे जुड़ूंगा. मैं ऐसा भी नहीं करूंगा कि भाई आपको यही लिखना है, लेकिन इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन होगा तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा. आप उसका जो पीडीएफ है वो भी मैंने आपको भेजा हुआ है, आप अपने पास रख के उसमें भी कुछ अपनी तरह से भी आप कुछ इसमें जो करेक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं. फिर मुझे यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4.6 का, मेरे पास एक पॉइंट्स दिया हुआ है. राइट द फेवरेबल फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड. यानी मुझे जो आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए फेवरेबल मेरे पास कंडीशंस क्या होनी चाहिए. तो मेरे पास फेवरेबल कंडीशंस के लिए देखिए, मुझे मालूम है कि फेवरेबल कंडीशंस मुझे जो यहाँ पे सेट करनी होगी तो वो मैं किस तरह से सेट करूंगा. An ionic bond is formed by the transfer of one or more electrons from one atom to another. So hence, the formation of ionic bond depend upon the ease with which neutral atoms can lose or gain electrons. So the bond formation also depends upon the lattice energy of the compound formed. तो मुझे मालूम है कि अगर मुझे ionic bond बनाना है तो मेरे मेटल आयन एटम्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होनी चाहिए, यानी इजीली वो इलेक्ट्रॉन अपना दे सके. हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए नॉन मेटल्स की, ताकि अच्छी तरह से वो एनर्जी है वो रिलीज कर सके. और हाई लेटाइस एनर्जी ऑफ द कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड बने तो उसमें लेटाइस एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होने की वजह से वो स्टेबल हो पा रहेगा. तो ये 4.6 में हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है. नेक्स्ट हम चले जाते हैं 4.7 की तरफ. राइट, यहाँ पे हमें क्वेश्चंस पूछा गया है 4.7 में. डिस्कस द शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग द VSEPR मॉडल. जैसे मेरे पास यहाँ पे BeCl2 की बात की हुई है, तो बेरियम क्लोराइड है, तो इसमें मेरे पास मुझे मालूम है यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आठ है. मुझे उसका शेप है वो VSEPR से दिखाना पड़ेगा. फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, मुझे कहां से दिखाना पड़ेगा, VSEPR से. उसका शेप मैं किस तरह से दिखा पा रहा हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि BeCl2 सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, दो बॉन्डेड पेयर ही है, तो वो AB2 टाइप का हो गया है ना, सो वो लीनियर शेप में चला जाएगा. फिर मुझे यहाँ पे दिया हुआ है BCl3, तो मुझे मालूम है कि BCl3 का जो हम फॉर्मूला इस तरह से दिखा सकते हैं, बोरोन के पास कोई भी लॉन पेयर नहीं है, तो यानी वो तीनों क्लोरीन बोरोन के साथ कुछ इस तरह से जुड़ पाएंगे, तो हमें मालूम है वो AB3 टाइप का ट्राइगोनल प्लेनर शेप है. यहाँ पे दिखाया हुआ है ट्राइगोनल प्लेनर है और AB3 स्टाइल है. आपको समझ में आ गया, ये लीनियर शेप में पहले था. अभी जो SiCl4 का यहाँ पे दिखाया हुआ है तो मुझे मालूम है कि सिलिकॉन के पास भी कोई लॉन पेयर नहीं है, सो देयर द सेंट्रल एटम डज नॉट हैव एनी लॉन पेयर, ओनली फोर बॉन्डेड पेयर. सो द शेप यहाँ पे चार बॉन्डेड पेयर होने की वजह से वो AB4 टाइप का मोलिक्यूल होने के वजह से उसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल उसका शेप मुझे मिलेगा. 109 डिग्री 28 मिनट का परफेक्ट बॉन्ड एंगल मुझे यहाँ पे दिखाई देगा. ASF5 की बात यहाँ पे की है, मेरे पास आर्सेनिक है और आर्सेनिक के पास कुछ भी लॉन पेयर नहीं होने की वजह से वो पांच फ्लोरीन में से तीन है वो यहाँ पे एक प्लेन पे है और दो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक बार, ये इक्विटोरियल पोजीशन है और ये एक्सियल पोजीशन होने की वजह से AB5 टाइप का स्टाइल है और वो TBP यानी ट्राइगोनल बाई पिरामिड में चला जाएगा. समझ में आ रहा है. फिर से मेरे पास है H2S, तो H2S में तो सेंट्रल एटम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉन पेयर होने की वजह से और दो बॉन्डेड पेयर है, लेकिन ये लॉन पेयर दो बॉन्डेड पेयर के ऊपर अपना रिपल्जन लगाने की वजह से वो AB2E स्टाइल होने की वजह से राइट उसका जो शेप है वो थोड़ा बेंड हो जाएगा. उसके बाद मुझे यहाँ पे PH3 की बात की है, यहाँ पे तीन बॉन्डेड पेयर है और सेंट्रल एटम हैज वन लॉन पेयर, यानी इसकी जो स्टाइल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है वो कुछ इस तरह से होगी ना, AB
3 है और एक लॉन पेयर भी है। समझ में आ रहा है? तो हमें मालूम है कि सेंट्रल एटम है, उसके पास एक लॉन पेयर और 3 बॉन्डेड पेयर होने की वजह से वो AB3E स्टाइल में चला जाएगा और उसका शेप TBP यानी अमोनिया की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस यहां पे पूछा गया है 4.8 कि इसमें अमोनिया और वाटर की ज्योमेट्रीज मुझे दिखाई गई है। दे आर डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बट द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, डिस्कस इट। अब हम समझते हैं, पहला क्वेश्चंस को हम फिर से हम समझना चाहते हैं। हमें यहां पे दिखाया हुआ है अमोनिया की ज्योमेट्री है, वाटर की है। हमें मालूम है कि इन द केस ऑफ अमोनिया देयर इज अ सेंट्रल एटम हैविंग अ 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्डेड पेयर, वाइल इन केस ऑफ वाटर द 2 लॉन पेयर एंड 2 बॉन्डेड पेयर। सो द दिस 2 लॉन पेयर प्रेजेंट्स इन द ऑक्सीजन ऑफ वाटर, दे रिपेल्स द 2 बॉन्डेड पेयर, सो द रिपल्सन इज स्ट्रॉन्गर देन द रिपल्सन बिटवीन द लॉन पेयर, सो द 3 बॉन्डेड पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम। तो यहां पे क्या होता है कि यहां पे 3 बॉन्डेड पेयर है, यहां पे 2 बॉन्डेड पेयर है, यहां पे 1 लोन पेयर है, यहां पे 2 लोन पेयर है। सो द रिपल्सन ऑन बॉन्ड पेयर इन वाटर मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द अमोनिया, दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन दैट ऑफ अमोनिया। यानी इसका बॉन्ड एंगल वो कम हो जाएगा। दोनों का sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, 109:28 होना चाहिए था, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से वो 107 पे चला जाया गया और ये नियर अबाउट 104 टू 105 के बीच में इसका बॉन्ड एंगल चला गया है। समझ में आ रहा है? फिर से हम यहां पे दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू एक्सप्रेस द बॉन्ड स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ये बिल्कुल वेरी शॉर्ट आंसर की तरह है। बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो जो दोनों एटम्स मोलिक्यूल में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उसकी एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग बता रहा है। सो द लार्जर द बॉन्ड एनर्जी द स्ट्रांग इज द बॉन्ड एंड द ग्रेटर इज द बॉन्ड ऑर्डर। Define the bond length. अभी bond length की बात हम यहां दिखा रहे हैं। So bond length is defined as the equilibrium distance between the nuclei of 2 bonded atoms in molecule. यानी जो मेरा molecule है उसमें जो 2 bonded atoms के बीच में equilibrium distance क्या होता है, और वो sometimes which is expressed in terms of angstrom as well as picometer में भी दिखाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा हम पाइकोमीटर में ही देख रहे हैं, एंगस्ट्रॉम में भी बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है उसको एंगस्ट्रॉम में काफी बार यहां पर दिखाई दे रहा है। And are measured by spectroscopic X-ray diffraction method or electron diffraction techniques. So in an ionic bond, the bond length is the sum of the ionic radius of the constituting atoms. जैसे मेरे पास positive ion यानी cation और anion का जो उसका जो size है, उसका जो addition है, तो वो मुझे उसकी bond length के साथ बारे में पता चलता है। But in a covalent compound, it's the sum of यानी यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मेरे पास A नाम का कोई atom है, जैसे मेरे पास HCl है, तो ये हाइड्रोजन का रेडियस और क्लोरीन का रेडियस का जो एडिशन करेंगे तो उसको हम कोवेलेंट रेडियस बोल पाएंगे। फिर से 4.11 में है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेजोनेंस विथ रेफरेंस टू द CO3-2 आयन। यानी मेरे पास कार्बोनेट आयन है और उसका मुझे रेजोनेंस जो रेफरेंस है वो मुझे देना पड़ेगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स ऑल द कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट। अभी देखिए इस तरह एक अकेला सिस्टम स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे सिंगल बॉन्ड है, तो हमें यह पता चलेगा कि डबल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए और यहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सरे डिफ्रेक्शन मेथड और जो डिफ्रेक्शन अलग दूसरी एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है वो ये दिखा रही है कि सभी जो CO बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ सेम ही है, और ये बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड से ज्यादा है और सिंगल बॉन्ड से कम होने की वजह से, सो हेंस inadequate टू रिप्रेजेंट CO3-2 आयन बाय नॉट बाय अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बट दे हैविंग अ 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 डबल बॉन्ड। सो therefore कार्बोनेट इज डिस्क्राइब एज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो मुझे ये तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मुझे दिखाने पड़ेंगे, इसका जो कॉम्बिनेशन होगा तो हम उसको रेजोनेंस में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट मुझे यहां पे पूछा गया है 4.12 में, H3PO3 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर 1 and 2 सोन बिलो। यहां पे दिखाया गया है, कैन दिस टू स्ट्रक्चर बी टेकन एज द कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंटेटिंग H3PO3, इफ नॉट गिव द रीजन फॉर द सेम। देखिए आपको यहां पे जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहा है, आप देखिए बिल्कुल यहां पे H3PO3 का स्ट्रक्चर है, और यहां पे देखिए यहां पे क्या है, H2PO3 है। तो ये बता क्योंकि देखिए यहां पे 3 H है और यहां पे 2 H है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि द गिवन स्ट्रक्चर्स कैनोट, ये इसका दोनों का कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ H3PO3 इसलिए नहीं है बिकॉज द पोजिशन ऑफ द एटम्स चेंज हो गई है. यहाँ पे दो ही तीन हाइड्रोजन थे, यहाँ पे भी तीन है, लेकिन यहाँ पे कोई इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा मुझे. समझ में आ रहा है? ये मेरे पास H3PO3 है, ये भी H3PO3 है, लेकिन उसमें क्या हुआ कि एटम्स है ना वो चेंज हो रहा है. तो ये रेजोनेंस की ये कंडीशन ही नहीं है. सो द गिवन स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी टेकन एज अ कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ H3PO3 बिकॉज द पोजिशन ऑफ द एटम्स हैव चेंज्ड. 4.13 में हमें यहाँ पे पूछा गया है कि राइट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर सल्फर ट्राइऑक्साइड NO2 एंड NO3-1. तो हम सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पहले देखेंगे. देखिए ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड का स्ट्रक्चर, यहाँ पे एरो भी है या आप सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं. तो S डबल बॉन्ड O, राइट. यहाँ पे भी देखिए ये डबल बॉन्ड है, वो शिफ्टिंग हो रहा है, यहाँ पे हो गया, अब तीसरी जगह पे हो गया. फिर से मैं बहुत बता रहा हूँ, ये एरो की बजाय आप सिंगल बॉन्ड से भी आप अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं. ये NO2 है तो NO2 में भी इस तरह से है, N डबल बॉन्ड है और यहाँ पे O सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल इस तरह से हो सकता है. यहाँ पे NO3-1 का भी मुझे स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो आप देखिए N है, डबल बॉन्ड है, O है और यहाँ पे एक O- है, फिर ये O- यहाँ पे चला जाएगा और ये O- यहाँ पे चला जाएगा. यानी थ्री डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ NO3-1. फाइन, अभी 4.14 पे हम चले जाते हैं. यूज लुईस सिंबल्स टू शो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बिटवीन द फॉलोइंग एटम्स टू फॉर्म अ कैटायंस एंड एनायंस. तो ये क्या दिखा रहा है कि भाई जैसे मेरे पास पोटेशियम और सल्फर है तो हम किस तरह से उसका जो ट्रांसफर है और कैटायन एनायन, तो वो सिंपल है. पोटेशियम का 19 नंबर होता है एटॉमिक नंबर, तो 2881 है. सल्फर का 16 है, 286 है, तो उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर के डॉट होगा. सल्फर का इस तरह से होगा, पोटेशियम सल्फर को, पोटेशियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे पाएगा, यानी उसका ऑक्टेट होने की वजह से. यहाँ पे देखिए ये से थोड़ा इसमें ये प्रॉब्लम है, ये नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं. समझ में आ रहा है? अभी पोटेशियम, दो पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, पोटेशियम है वो अपना डॉट यहाँ पे, यानी 2881 से वो 288 में चला जाएगा कि ये प्लस है. सल्फर में भी आप देख सकते हैं कि 286 की बजाय वो 288 में चले गए हैं और ये 2K+ और S-2 से आयनिक बॉन्ड अपना बना रहे हैं. कैल्शियम और ऑक्सीजन का भी मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ. कैल्शियम है, मुझे मालूम है उसका 20 नंबर होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से Ca2 है, दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को दे पाएंगे, यानी 2, 8, 8 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 और 8 है. तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है. यहाँ पे भी देखिए द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड नाइट्रोजन. देखिए एल्यूमिनियम में 2, 8 और 3 है और नाइट्रोजन में 2 और 5 है. तो एल्यूमिनियम है वो अपना 3 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे, सो एल्यूमिनियम है, दे डोनेट देयर 3 इलेक्ट्रॉन्स टू द नाइट्रोजन. सो नाउ इज एल्यूमिनियम इज +3, तो 2, 8 और नाइट्रोजन का भी 2, 8 होने की वजह से एल्यूमिनियम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे मिल सकता है. समझ में आ रहा है आपको? फाइन, 4.15 में हम चले जाते हैं. यहाँ पे पूछा गया है कि ऑल्दो बोथ CO2 एंड H2O आर ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स. देखिए यहाँ पे भी 3 एटम है, यहाँ पे भी 3 एटम है, फिर भी H2 इज बैंड वाइल CO2 इज लीनियर इन नेचर. व्हाई? एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट से मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा. सो मैं मालूम है बहुत बढ़िया क्वेश्चंस NCERT की टेक्स्ट बुक में यहाँ पे डाले हुए हैं. सो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स द डाइपोल मोमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0. This is possibly only if the molecule is linear in nature. तो linear होने की वजह से CO bonds दोनों में होने चाहिए, वो equally होने चाहिए, and the opposite to nullify each other. तो यहाँ पे देखिए CO2 का यहाँ पे oxygen is more electronegative than carbon, यहाँ पे भी है, तो खींचाव इस तरह से दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है, तो उसका म्यू क्या हो जाएगा, 0 d/ हो जाएगा. वाटर में क्या होता है ऑन द अदर हैंड, द डाइपोल वैल्यू मीन्स प्रैक्टिकली 1.84 है, लेकिन उसमें वाटर में इस तरह से क्योंकि इसका लॉन पेयर है, तो द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट सजेस्ट दैट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज बैंड. यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गया यहाँ पे, और इसका लॉन पेयर भी इस तरह से खींचाव चल रहा है, यानी अनइक्वल पोजीशंस पे आने की वजह से उसका जो म्यू है वो आपको 1.84 d/ दिखाई दे रहा है. 4.16 में चले जाते हैं. राइट द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट. यानी जो डाइपोल मोमेंट का जो एप्लीकेशन है या उसका जो सिग्निफिकेंस है वो हम समझना चाहते हैं. देखिए इन हिट्रोन्यूक्लियर मोलेक्यूल्स,
यानी दोनों मोलेक्यूल्स में जो भी हीटरो होते हैं यानी समान नहीं हो पाने की वजह से पोलराइजेशन एराइज ड्यू टू द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटम्स. तो क्या होता है, एज ए रिजल्ट वन एंड ऑफ द मोलेक्यूल एक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज व्हाइल द अदर हैंड बिकम अ नेगेटिव. तो मोलेक्यूल हम बोल सकते हैं उसमें डाइपोल जनरेट हो रहा है, यानी पोलर कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एज अ डाइपोल मोमेंट और म्यू ऑफ द मोलेक्यूल. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टर क्वांटिटी में चला जाता है एंड इट्स रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विथ इट्स टेल एट द पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ नेगेटिव सेंटर. तो डाइपोल मोमेंट म्यू का जो मेरा फॉर्मूला है वो क्या होता है, चार्ज उसका जो क्यू और उसका सेपरेशन आर और उसका एसआई यूनिट होता है ईएसयू, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम बोलते हैं. और एक ईएसयू की वैल्यूज होती है 3.335 × 10⁻³⁰ चार्ज का यहाँ पे कूलोम दिया हुआ है और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है. सो द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड इट इज यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड बिकॉज ऑल नॉन पोलर मोलेक्यूल्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ द मोलेक्यूल. या हम उसका जो परसेंटेज है वो भी यहां से हम निकाल सकते हैं. तो आज हम 4.16 की तरह यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी जो है वो 4.17 से अपना प्रोसेस शुरू करेंगे. अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप अपना व्हाट्सएप नंबर मेरा है आपके पास, तो आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.